प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज का जो शुभ दिन है वह 1 सितंबर आप सबके सामने एक नए कलेवर में, और चूंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है लगभग इस माह के आठ माह व्यतीत हो चुके। अब जिस यहाँ पे हम खड़े हैं वो लगभग 9वां चालू हो चुका है। यदि आपने इन 8 माहों में कुछ नहीं किया तो अब समय है, अब भी संभल जाइए, क्योंकि लगभग इस साल का 2/3 हिस्सा गुजर चुका। आखिरी का जो 1 हिस्सा बचा है इसमें आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसका अवलोकन करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1/10/1928 है, जिनसे कि मैंने पहले भी कहा कि उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आने वाला है, चीज़ें अच्छी होने वाली, नई गर्लफ्रेंड्स वगैरह भी है, यदि आप चाहते तो आ सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटी है तो वो भी आ सकती है, कुछ अच्छी चीज़ें आपके साथ आपके जीवन में हो सकती है, धन के बड़े अवसर आपके जीवन में आ सकते हैं, लेकिन आपको कर्म करना पड़ेगा, अर्थात उसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि जब आप क्रीज के बैक पे रह के बैटिंग करते हैं तो आप गेंद को केवल प्लेट कर पाते हैं, लेकिन यदि आपको छक्का मारना है या गेंद पे 4 रन बनाना है तो आपको क्रीज से बाहर निकल के हिट करना पड़ेगा। तो ऐसा ही समय आपके लिए, डू इट नाउ। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2/11/1920 है उनके लिए जो आज का दिन है शुभ है। लेकिन स्वास्थ्य जो है थोड़ा सा हो सकता है, जल और अग्नि का तालमेल कई बार आपके भीतर जब असंतुलन बिगड़ता है तो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आपको आ सकती हैं, थोड़ा सा इसका ध्यान आप रखेंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 3/12/21 या 30 है उसके लिए जो आज का दिन है पूर्णतया शुभ नहीं, कार्यक्षेत्र में थोड़े से उतार चढ़ाव की स्थिति 3 के लिए आज के दिन बनती हुई और कार्यक्षेत्र में थोड़ी सी रुकावट भी। तो आज के दिन यदि हो पाए तो आप कुत्तों को कुछ बिस्कुट दें और साथ ही साथ यदि पॉसिबल हो तो आज के दिन 1 दीपक सरसों तेल का भी प्रज्वलित करें, शनिदेव के नाम पे आप करें। तो 2 काम यदि आज के दिन आप करते हैं तो आपकी जो परेशानियां हैं या बाधाएं हैं थोड़ी सी कम होंगी। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 4/13/2231 है उनके लिए जो संकेत है यात्रा से जुड़े और साथ ही साथ पैसे की आवक होते हुए किसी क्षेत्र पर उन्हें पैसे मिलेंगे या किसी इनके कामों पर उनके कार्य आगे बढ़ेंगे। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 5/14/23 है उनके लिए दिन शुभ है, सफलताएँ हैं, चीज़ें अनुकूल है, नया अवसर नया मौका, लगभग जिस पिच पे आप बैटिंग करना चाहते थे वो पिच अभी आपके पास में है और डू इट नाउ, अपने काम को अच्छे से तरीके से करें और आपके काम की स्पीड भी जैसे जैसे आप महसूस कर रहे होंगे कि थोड़ी सी स्पीड हुई है, तेज़ हुई है, मन की जो इच्छाएं हैं बड़ी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होने के संकेत। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 6/15/24 है उनके लिए यात्रा के संकेत, यात्रा में थोड़ा सा स्वास्थ्य को ध्यान रखें और सामान थोड़ा सा बचा के चलें। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 7/16/25 है स्वास्थ्य में थोड़ी सी रुकावट के संकेत, उतार चढ़ाव हो सकता है, वाहन थोड़ा सा देख के चलाएँ, यही कहूँगा, बाकी कार्य तो होंगे कार्यों पे, लेकिन थोड़ा सा फिर भी हेल्थ को टेक केयर अपना ध्यान रखें, खान पान पर विशेष संयम रखें, यदि ज़्यादा गर्मी लगे तो ज़्यादा ठंडा पानी का सेवन ना करें अन्यथा आपको तकलीफ हो सकती है और फिर बाद में अब सर्दी खांसी होगी जो लंबी चलेगी। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 8/17/26 है उनके लिए जो आज का दिन है थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, लेकिन कुल मिला के बहुत बड़ी सफलता को तो नहीं कहूँगा, अभी सफलता में थोड़ा संदेह है, थोड़ा समय आपको धीरे धीरे स्लो खेलना है, अर्थात 1-1 रन बनाने हैं, चौके छक्के पे मत जाइए नहीं तो आप आउट हो जाएंगे, इसलिए टेक केयर। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 9/18/27 है उनके लिए आज का जो दिन है अशुभ है, कार्यक्षेत्र में सफलताएँ हैं और आपके लिए भी समय काफ़ी अनुकूल, तेज गति से आगे बढ़ें, अपने कार्यों को करें तो आपको सफलता जो है आपकी बाट जो हो रही है इंतज़ार कर रही है, डू इट नाउ। तो प्यारे दोस्तों ये हुई चर्चा 1 से लेकर 9 तक की और आज के दिन की। यदि आपको आपके जीवन में ज़्यादा समस्याएं हो या फिर किसी चीज़ों पर आप पीड़ित हों या परेशान हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 7415111400 पर, और ऐसी जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।